दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे फेओल के जो जो प्रिंसिपल बच गए हैं उनके बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे कि फेओल के प्रिंसिपल का जो आज का इम्पैक्ट क्या है ये भी हम जानने वाले हैं कि भाई पहले इम्पैक्ट क्या था जब उसने बनाए थे, पहले क्या एक्सप्लेनेशन थी उसकी, और आज मॉडर्न ज़माने को देखते हुए आज क्या उसकी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यानी दोस्तों सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एक कंपनी होती है तो उसमें कई लेवल के लोग होते हैं। बोले भैया ऑफिसर भी होते हैं, ऑफिसर के नीचे कुछ मैनेजर हो सकता है, उसके नीचे कोई और हो सकता है, और उसके नीचे कोई और हो सकता है, और उसके नीचे एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों एक आदमी के नीचे कई लोग हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑफिसर भी बहुत होते हैं और वर्कर भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फेओल का यहाँ पर ऐसा मानना था कि इन सभी के बीच में एक चैन बनी हुई होनी चाहिए, इन सभी के बीच में एक चैन बनी हुई होनी चाहिए जो कि दोस्तों सभी लोगों के द्वारा फॉलो की जाए। अब दोस्तों जो एक चैन होगी, जो एक श्रृंखला होगी, उसमें दोस्तों जो सबसे ऊपर होगा उसके पास ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अधिकार होंगे, और जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा तो कम अधिकार होते जाएंगे। तो दोस्तों फेओल का मानना था कि जो अधिकार होते हैं हमारे, मतलब अथॉरिटी होती है और कम्युनिकेशन होता है, तो इसके लिए दोस्तों एक वर्टिकल रूप में चैन होनी चाहिए। वर्टिकल रूप में मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, वो होता है वर्टिकल। और दोस्तों जो एक ही लाइन में होता है, क्षैतिज होता है, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बोला गया कि भैया वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए, वी शेप आप बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर ए जो है सबसे बड़ा बॉस है और उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ अलग लोग हैं, एक तरफ अलग लोग हैं। भाई एक तो दोस्तों मेन हेड मान लो आप, अब उसके नीचे दोस्तों आप ये दो मान लो दो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब दोनों डिपार्टमेंटों के दोनों अलग अलग मैनेजर होंगे, अलग अलग सुपरवाइजर होंगे, अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो मेन हेड कौन हुआ, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो दोस्तों फेओल साहब यहाँ बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जैसे कि यदि भैया ई को अपने जो सबसे बड़े बॉस है ए उससे कोई काम है तो इस चेन को फॉलो करना होगा। मतलब दोस्तों ई को पहले डी को बताएगा, फिर सी को बताना पड़ेगा, फिर बी को बताना पड़ेगा, और फिर वो ए से बात कर पाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएगा। मतलब दोस्तों सभी लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, वो डायरेक्ट ए के पास जाकर बात नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यदि वो दूसरी तरफ जाना चाहे, जैसे मान लो दोस्तों ई यदि यहाँ पर एन से बात करना चाहे तो भी उसे यही फॉलो करना पड़ेगा, पहले डी को, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को, फिर एल को, फिर एम को, और फिर एन को, ऐसे बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट ई जो है डायरेक्ट एन से बात कर ले। बोले भैया ये जो चेन है ना वो फॉलो करो, हर आदमी के द्वारा स्ट्रिक्टली ये चेन फॉलो की जानी चाहिए, फेओल साहब ने ऐसा कहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि भैया ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो बहुत ज़रूरी हो और जल्दी देनी हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जल्दी देनी हो, अगर इस प्रोसेस में हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों फेओल साहब ने कहा कि भैया आप इमरजेंसी में एक शॉर्टकट बना सकते हैं जिसको नाम दोस्तों दिया गया गैंग प्लैंक, ठीक है दोस्तों। गैंग प्लैंक मतलब दोस्तों समतल संपर्क। यदि दोस्तों इमरजेंसी है तो फेओल ने बोला कि भैया आप समतल संपर्क कर लो, मतलब यहाँ पर दोस्तों ई जो है डायरेक्ट ओ से भी संपर्क कर सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ई जो है ओ से ही संपर्क कर सकता है, ऐसा नहीं वो टेढ़ा चला जाए, मतलब वो एल से कर ले कि एम से कर ले, टेढ़ा नहीं, समतल होना चाहिए वो संपर्क। लेकिन दोस्तों यदि कोई इमरजेंसी नहीं है तो भैया आपको जो ये स्केलर चैन है, ये श्रृंखला है जो, उसको फॉलो करना होगा। फेओल के अनुसार, फेओल का ये मानना था कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो दोस्तों ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब दोस्तों अगले प्रिंसिपल की यदि बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। दोस्तों पहली बात इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो ऑर्डर वाला एक और हमने पढ़ा है कि भैया एक आदमी को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, वो था दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत था वो। ये है दोस्तों केवल व्यवस्था का सिद्धांत है ये, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और यहाँ पर दोस्तों जो व्यवस्था, व्यवस्था से आप समझ सकते हैं कि भैया कोई भी आदमी है या फिर कोई भी माल मटेरियल है उसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए,
मतलब एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, यदि दोस्तों कोई सुपरवाइजर है एक कंपनी में, तो उसका एक स्पेसिफिक कैबिन होना चाहिए कि हाँ भाई इसका कैबिन यहाँ है, या फिर कोई मैनेजर है तो उसका कैबिन स्पेसिफिक होना चाहिए, हाँ भाई ये मैनेजर का ही कैबिन है। यदि कोई माल है, रॉ मटेरियल है, कि हाँ भाई ये वाला रॉ मटेरियल इस स्टोर में पड़ा है, ये वाला रॉ मटेरियल इस स्टोर में पड़ा है, ये वाला मटेरियल यहाँ पर पड़ा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि भैया माल मटेरियल का और दोस्तों जो काम करने वाले हैं उनका एक फिक्स्ड पैलेस होना चाहिए, ताकि ताकि दोस्तों टाइम बचे, टाइम बचे। अगर दोस्तों हमें पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कौन सा जो बॉस है वो हमारा कहाँ है, तो हम दोस्तों ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे। हमें माल का नहीं पता पहले कहाँ पड़ा है, तो हम ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे। और हमें हमें बॉस से कोई बात करनी है, कोई एडवाइस लेनी है, कोई सजेशन देना है, यदि हमें पता नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ बैठता है वो, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो फियोल ने कहा, बोले भैया इसके लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, टाइम भी बचे एनर्जी भी बचे। तो ये बोलता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी व्यवस्था का सिद्धांत। अब भाई दोस्तों अगले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगले प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का सिद्धांत या फिर समता का सिद्धांत। ठीक है, इक्विटी का दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि भैया एक कंपनी में कोई भी हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। सभी के साथ समान व्यवहार, कंपनी में जो भी लापरवाही बरते, जो भी दोस्तों सुस्ती से काम करे, पूरा एफर्ट्स नहीं लगाए, तो दोस्तों यहाँ पर फेयोल ने कहा है भैया उसके साथ सख्ती दिखाओ। अब चाहे दोस्तों वो कोई भी आदमी हो, उसकी चाहे कितनी ही चलती हो, उसमें सभी के साथ समान व्यवहार, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करे तो दोस्तों उसको उसका दंड मिलना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पोजीशन देख रहे हो, आप जेंडर देख रहे हो, कि आप नेशनलिटी देख रहे हो, उसकी ग्रेड देख रहे हो, उसका धर्म देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सभी के साथ समान व्यवहार, साफ बात। अब दोस्तों जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप देखते हो कि आपका मैनेजर आपके साथ तो व्यवहार वैसा नहीं कर रहा जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर रहा है या किसी अदर एम्प्लॉय के साथ कर रहा है, तो दोस्तों आपके मन में भी कुछ ऐसा आएगा, अरे यार ये मैनेजर है ये तो क्या है, बिहेवियर सही नहीं करता, किसी के साथ कैसा करता है, किसी के साथ कैसा करता है, इसके जो करीबी हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन लैंग्वेज में, चमचे चमचे हैं जो इसके चमचे बने हैं, उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो क्या है, एम्प्लॉयज़ के मन में भी कुछ ऐसा आता ही है और वो फिर अपने पूरे एफर्ट के साथ काम नहीं करते। तो इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूँ। अब जैसे दोस्तों दो एम्प्लॉय हैं एक कंपनी में, दोनों ने मेडिकल लीव के लिए एप्लीकेशन दी, बोले भैया हमें मेडिकल लीव चाहिए, कुछ छुट्टियां चाहिए हमें। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों जो पहला आदमी है उसकी पोजीशन थोड़ी बड़ी है, मतलब उसका पोस्ट बड़ी है, और एक आदमी मान लो वो ऑफिसर है, और जो दूसरा आदमी है वो दोस्तों एक कम पोस्ट पर है, क्लरिकल लेवल का आदमी है। ठीक है, तो जो पोस्ट जिसकी बड़ी है, जो ऑफिसर है, उसको मैनेजर देता है 10 दिन की छुट्टियाँ मेडिकल लीव के नाम से। ठीक है, और जो दोस्तों क्लर्क है उसको मैनेजर देता है केवल 3 दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर दोस्तों इक्विटी के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, इक्विटी के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। यही दोस्तों फेयोल बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजर को ऐसा नहीं देखना चाहिए, पोस्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, पोजीशन क्या है, जेंडर क्या है, ऐसा नहीं देखना चाहिए दोस्तों। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर दोनों ने मेडिकल लीव के लिए एप्लीकेशन लगाई है तो दोस्तों दोनों को ही समान छुट्टियां मिलनी चाहिए, चाहे वो 8 दिन की हो चाहे 10 दिन की हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि बात की जाए इनके अगले सिद्धांत की, तो उसका नाम है दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता या उपयुक्तता का सिद्धांत। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो भैया ये प्रिंसिपल बोलता है कि आप यदि किसी बंदे को सेलेक्ट कर रहे हो, आप अपनी कंपनी में किसी बंदे को सेलेक्ट कर रहे हो, तो भैया उसको कुछ टाइम के लिए तो रखो, उसको कुछ टाइम के लिए तो कंपनी में रखो। ऐसा नहीं कि आप यार आए दिन लोगों को बदल रहे हो, आए दिन ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहना है इस प्रिंसिपल का, मतलब दोस्तों जो एम्प्लॉय है उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ भैया हम इतने दिन तो काम करेंगे ही कंपनी में, भाई उनको अपना टैलेंट या अपनी स्किल शो करने के लिए टाइम तो मिलना चाहिए ना। आप यार जज ऐसे 1 महीने में कैसे जज कर लोगे, तो क्या है
उसको जॉब सिक्योरिटी दो, उसको टाइम दो, सेटल डाउन हुए फिर अपना एफर्ट दिखा पाए, वो अपनी स्किल दिखा पाए। भाई जॉब सिक्योरिटी दोगे ना आप, तभी वो ऐसा कर पाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं आप आए दिन उसको कभी भी हटा सकते हो, हटा देते हो, या फिर कभी भी उसका ट्रांसफ़र कर देते हो किसी आदमी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी इज मस्ट। और दोस्तों जो प्रोसेस होती है सेलेक्ट करने की, वो भी दोस्तों आप जानते हो, पहले इंटरव्यू वगैरह होता है, ट्रेनिंग भी होती है, तो आप आदमी को तैयार करते हो, तो ऐसा नहीं आप ये जल्दी से निकाल दो, ये भी एक प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस होती है सेलेक्ट करने की। तो उसको टाइम दो ताकि वो अपना स्किल दिखा पाए, अपना टैलेंट दिखा पाए और सेटल हो पाए जॉब में। अब दोस्तों आप बार बार ये रोटेशन या ट्रांसफ़र करते हो ना, तो आपका खर्चा भी तो लगता है ना, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका भी तो वेस्टेज होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। तो एक एम्प्लॉय के पास जब दोस्तों जॉब सिक्योरिटी होगी तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये सिद्धांत बोलता है कि भैया जिसे भी आप सेलेक्ट करते हो उसे दोस्तों कुछ मिनिमम टाइम तो कम से कम दो, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रिंसिपल, तो अगला प्रिंसिपल की यदि बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहल क्षमता का सिद्धांत। दोस्तों जनरल बातचीत में हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि यार इस काम को ऐसा ना करके ऐसे करें, इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करें, मतलब किसी दूसरे तरीके से करें। तो दोस्तों इस दूसरे तरीके को ही आप इनिशिएटिव बोलोगे, ये जो आप दूसरा तरीका लगा रहे हो ना उसको ही दोस्तों आप इनिशिएटिव बोलोगे। तो भैया ये सिद्धांत ऐसे बोलता है, यदि कोई एम्प्लॉय कोई इनिशिएटिव लाए, हाँ भाई सर हमारा ये प्लान होना चाहिए, हमारा अगर हमारा ये टारगेट है तो इसके लिए दोस्तों हम ऐसा कुछ प्लान करें, ये हमारा प्लान होना चाहिए, इस प्लान को दोस्तों आप ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा इनिशिएटिव लाए तो दोस्तों ऐसे इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय ऐसे इनिशिएटिव लाए दोस्तों। लेकिन एक बात आपकी जाननी जरूरी है कि जब ये प्रिंसिपल बनाया गया था तब फ्यूल का मानना था कि मैनेजर्स को नए नए इनिशिएटिव लाने चाहिए, नए नए आइडिया लाने चाहिए। लेकिन दोस्तों आज मॉडर्न इसका इम्पैक्ट है कि एम्प्लॉयज़ को नए नए आइडिया लाने चाहिए कि सर हमारा प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए और इसे ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें। तो दोस्तों हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए, ना कि दोस्तों उनको बेइज्जती करके हमें भेज देना चाहिए कि नहीं जो तुम्हारा काम है वो ही करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे दोस्तों क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो भी मोटिवेट होंगे, नए नए तरीके से वो भी काम करना सोचेंगे, नए नए तरीके वो भी अपने दिमाग में लाएंगे कि हाँ भाई इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, ये हमारा एक प्लान हो सकता है, और उनको भी सेटिस्फिकेशन मिलेगा, वो भी अपने फुल एफर्ट देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी आकर बोले और वो आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। कोई एम्प्लॉय कोई इनिशिएटिव लाए ना, कोई प्लान लाए ना नया, तो दोस्तों आप वेलकम करो, उस पर विचार करो और ये देखो कि भैया वो इनिशिएटिव जो है बेनिफिशियल है कि नहीं कंपनी के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस तरीके से काम करने से कुछ हमारा फ़ायदा होगा तो दोस्तों आप उसको अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी बोल जाए और अप्लाई कर दो, पहले देखो उसका अवलोकन करो, एनालिसिस करो, बेनिफिशियल है तो अप्लाई करो, सिंपल सी बात है। और हाँ एम्प्लॉयज़ को भी दोस्तों क्या करना चाहिए, मान लो दोस्तों 5 एम्प्लॉय ने इनिशिएटिव दिए किसी मैनेजर को, सर इस तरीके से हम काम करें, 5 अलग अलग तरीके इनिशिएटिव आए। अब दोस्तों काम तो करना है एक ही तरीके से, ये तो बात तय है कि काम एक ही तरीके से होगा। अब दोस्तों ऐसा है कि मैनेजर ने एक इनिशिएटिव को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है एक इनिशिएटिव ले लिया कि हाँ भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, तो जो अदर एम्प्लॉय है ना उनके इनिशिएटिव क्या है, मैनेजर ने लिए नहीं, मैनेजर ने अप्लाई नहीं किए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई हमारा इनिशिएटिव नहीं लिया। एक बार जो इनिशिएटिव ले लिया जिस तरीके से हम काम कर रहे, एक बार जो डिसीजन ले लिया, फिर दोस्तों जो डिसीजन जो प्लान बन चुका है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों अदर एम्प्लॉय को भी काम करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए जो डिसीजन मैनेजर के द्वारा लिया गया है। ऐसा नहीं सोचिए कि भैया मैंने ये बताया था इस तरीके से काम किया जाना चाहिए था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बार जो डिसीजन ले ले फिर उसका भी सम्मान करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही था, यदि कोई एम्प्लॉय इनिशिएटिव लाए तो उसका वेलकम करो, उसका एनालिसिस करो और देखो कि बेनिफिशियल है कि नहीं, बेनिफिशियल है तो अप्लाई करो, जिससे एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फेक्शन मिले। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला और लास्ट जो प्रिंसिपल बोलता है हेनरी फ्यूल जी का, उसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉक्स, मतलब दोस्तों सहयोग की भावना का सिद्धांत। देखो भैया सबको पता है कि एकता में ही शक्ति है, मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो भैया फ्योल ने बोला कि एक कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक टीम में रहकर काम करें,
टीम की फीलिंग में काम करें, ठीक है, मतलब जो काम हो वो टीम वर्क के रूप में हो। और दोस्तों हर एक एम्प्लॉय ऐसा माने कि मैं उस एक टीम का हिस्सा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, मतलब मैं के स्थान पर हम, बोले मैं अकेला मैं नहीं हूँ, हम हैं, हम साथ हैं, ठीक है, तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हो, तो इससे क्या टीम भावना होगी और हर आदमी एक खुद को टीम का हिस्सा मानेगा। और दोस्तों वैसे भी सही कहा ना, एक तो आदमी दोस्तों एक अकेला काम करे तो वो एक ही दिमाग लगाएगा, और क्या है एक टीम बन के काम करे ना तो अलग अलग दिमाग लगेंगे और अच्छा बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट को चाहिए कि भैया वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल बनाए कि सब लोग एक टीम के रूप में काम कर सकें, और दोस्तों कंपनी में अपनेपन की भावना रहे। अपनेपन की भावना रहेगी तो वो अच्छे एफर्ट करेंगे, अपना फुल एफर्ट से काम करेंगे, एम्प्लॉय टीम के रूप में काम करेंगे, और दोस्तों कंपनी मैक्सिमम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी का टारगेट है कि भैया एक महीने में 100 यूनिटों का उत्पादन करना है, ठीक है, जिसमें से दोस्तों उसके 10 मेंबर हैं ये काम करने वाले, और दोस्तों उनको बांटा गया है कि भैया आप सभी को, हर एक आदमी को 10-10 यूनिटों का काम करना है, मतलब 10 आदमी 10 यूनिटों का काम करेंगे तो 100 यूनिट का हमारा प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय के माइंड में क्या रहना चाहिए, भैया 100 यूनिटों को प्रोडक्शन रहना चाहिए, या दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं तो अपना 10 यूनिटों का काम कर लूँ और जो जिसका काम है वो जाने, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे भी करके 100 यूनिटों का उत्पादन करना है। जैसे दोस्तों हमारे कोई कलीग्स हैं, कोई भाई लोग हैं साथ में काम करने वाले हैं, वो अपना काम नहीं कर पाए, वो 10 में से कुछ यूनिटों का उत्पादन नहीं कर पाए, जो मतलब अपना पूरा काम नहीं कर पाए, तो हमें दोस्तों उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, मतलब दोस्तों किसी भी तरह से वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो हमें दोस्तों मदद करनी चाहिए कि उनका भी टारगेट पूरा हो जाए, तो उनका टारगेट पूरा होगा तो कंपनी का भी टारगेट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों पॉसिबल कैसे है, जब एम्प्लॉयज़ में टीम की भावना आएगी, वो ये नहीं सोचेगा भले भैया मैं अकेला हूँ, वो सोचेगा हम हैं सब, हमारा ये टारगेट है, तभी दोस्तों ये काम पॉसिबल है। तो टीम स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है, फेयोल ने कहा है ऐसा। तो इसी के साथ दोस्तों फेयोल साहब के सारे प्रिंसिपल हमारे पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हर एक प्रिंसिपल समझ में आया होगा, मैंने दोस्तों डिटेल में समझाने की कोशिश की और कोशिश की इजी से इजी वे में आपको समझा पाऊँ, लेकिन दोस्तों फिर भी हो सकता है कि आपको कोई प्रिंसिपल समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं दोस्तों, आज के सिनेरियो को देखें, आज के माहौल को देखें तो भी दोस्तों इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लेकिन दोस्तों कुछ एक्सप्लेनेशन बदल गई है, कुछ इसकी व्याख्या बदल गई है, इम्पैक्ट कुछ बदल गया है, तो दोस्तों ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखो बदला हुआ ज़माना है और आए दिन क्या है माहौल बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदलता है आसपास का, तो आज के टाइम पर ये जो प्रिंसिपल है उसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमें देखनी है। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला इनका वो था प्रिंसिपल था, उसका नाम था दोस्तों डिवीजन ऑफ वर्क, यानी दोस्तों कार्य का बंटवारा। तो ट्रेडिशनल जो इसका इम्पैक्ट था, ट्रेडिशनल इसका इम्पैक्ट था जो पहले बनाया था, मतलब पहले का आप मान सकते हैं, तो पहले दोस्तों क्यों किया गया था, मैंने आपको बताया था कि भैया एक आदमी अपने काम में स्पेशलिस्ट बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए, तो इसका दोस्तों ट्रेडिशनल जो इम्पैक्ट था वो था दोस्तों स्पेशलाइजेशन, ठीक है। आज की दोस्तों जनरेशन को देखा जाए तो आज दोस्तों नीड क्या है कि हर आदमी क्या है हर काम में एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइजेशन दोस्तों आज भी है, आज भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आज ये माना जाता है कि एक आदमी एक ही काम में एक्सपर्ट नहीं हो, वो हर काम में ही स्पेशलिस्ट बने, वो हर काम में ही स्पेशलिस्ट बने, इसलिए दोस्तों आजकल तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को कि भैया एक काम में एक्सपर्ट नहीं रहे, हर काम में अपना बंदा एक्सपर्ट हो। तो इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, वो था विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, जो इसका मॉडर्न जो इम्पैक्ट है वो है दोस्तों जनरलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका दूसरा प्रिंसिपल ये तो उसका नाम था दोस्तों अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया अधिकार और उत्तरदायित्व की समानता के सिद्धांत, ये मान सकते हैं अपन। इसमें दोस्तों बोला गया था कि भैया आप जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो ना उतने ही दोस्तों अधिकार भी दो, और जितने अधिकार दे रहे हो उतनी जिम्मेदारी भी दो। कहने का मतलब दोस्तों ये था कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए,
अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। तो दोस्तों इसका जो उस समय ट्रेडिशनल इम्पैक्ट ये था कि भैया मैनेजर को हम अधिकार देते थे, मैनेजर या ऑफिसर जो बड़े स्तर के लोग हैं, बड़े लेवल के लोग हैं, उनको दोस्तों हम पावर देते थे, अधिकार देते थे। अब आज इसका क्या है, आज दोस्तों हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जा रहा है, हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ को अधिकार दिए जा रहे हैं और दोस्तों साथ साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है अधिकार के अकॉर्डिंग। तो ट्रेडिशनल इसका इम्पेक्ट ये था कि भैया मैनेजर को अधिकार और उत्तरदायित्व देना ढंग से, ठीक है। आज इसका मॉडर्न जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो है कि एम्प्लॉयज़ को भी अधिकार और रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है। अब यदि दोस्तों इसके अगले प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो था दोस्तों डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में दोस्तों हमने बात की थी कि भैया कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और हर आदमी को उसको फॉलो करना चाहिए, और जो फॉलो नहीं करे उसको दंड दो और जो अच्छा काम करे उसको इनाम दो। फ्यूल ने यही कहा, ठीक है। तो ये था दोस्तों ट्रेडिशनल इम्पैक्ट कि भैया फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है, जिससे बंदा डिसिप्लिन में रहे। लेकिन दोस्तों आज क्या माना जाता है, आज दोस्तों फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल जो है डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी जाती है कि आदमी क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब दोस्तों एक एम्प्लॉय को खुद ही डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं डिसिप्लिन से काम करूं, उस पर ऐसे नहीं आप फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन थोप दो, ऐसा नहीं। आदमी खुद ही डिसिप्लिन में रह के काम करें, उस पर अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थोपे जाएं। तो ये है दोस्तों डिसिप्लिन का क्या मॉडर्न इम्पैक्ट, इनफॉर्मल प्रेशर कंट्रोल, या फिर बोल सकते हैं आप इनफॉर्मल सेल्फ डिसिप्लिन। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब था कि भैया एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलनी चाहिए और उसको एक ही बॉस को रिपोर्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था ट्रेडिशनल इम्पैक्ट कि हमें एक ही बॉस को रिपोर्ट देनी है। लेकिन दोस्तों आज के हालात को देखा जाए तो एक आदमी को दोस्तों कई लोगों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉसेस को रिपोर्ट देना, ये इसका क्या है मॉडर्न इम्पैक्ट है। इसके बाद दोस्तों हमारा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि भैया एक उद्देश्य के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही एडर होना चाहिए और वही हमारी एक डायरेक्शन में काम करने चाहिए सब लोग। तो एक डायरेक्शन था इसका ट्रेडिशनल इम्पैक्ट। लेकिन दोस्तों आज ऐसा समझा जाता है कि कई प्लान होने चाहिए, कई डायरेक्शन जाने चाहिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल डायरेक्शन, ये है इसका मॉडर्न इम्पैक्ट। इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल था उसका नाम था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गोल। मतलब सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हित त्यागना। मैंने दोस्तों इसमें बताया कि कंपनी सबसे बड़ी होती है और कंपनी का जिसमें हित है एक एम्प्लॉय को वही देखना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज़ को कमिटेड रहना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखना चाहिए, किसका, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन दोस्तों आज देखा जाए तो कंपनी जो है कमिटेड है एम्प्लॉयज़ के लिए, कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सही है वो आजकल कंपनी देखने लगी है। हालांकि दोस्तों एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं दोनों के लिए, लेकिन दोस्तों कंपनी भी आजकल कमिटेड रहने लगी है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये दोस्तों इसका है मॉडर्न इम्पैक्ट। अब दोस्तों यदि अगले प्रिंसिपल की बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। मतलब उचित पारिश्रमिक का ये प्रिंसिपल था कि भैया कि एम्प्लॉय को उचित सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, न्यायोचित सैलरी मिलनी चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अदर कंपनीज दे रही है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, इस हिसाब से मिलनी चाहिए। ये था ट्रेडिशनल इम्पैक्ट। लेकिन दोस्तों आज क्या बोलता है, भैया जैसी परफॉर्मेंस वैसी सैलरी, जैसी परफॉर्मेंस वैसी सैलरी। आज ये सिद्धांत ये बोलता है कि भैया परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होना चाहिए, जैसी परफॉर्मेंस देगा वैसी सैलरी देनी होगी। पहले था दोस्तों रीजनेबल, हाँ भाई इतनी तो हमें सैलरी देनी है, इतनी मिनिमम सैलरी देनी है। आज दोस्तों यदि कोई परफॉर्मेंस अच्छा करता है तो कंपनी एक इंसेंटिव देती है, परफॉर्मेंस अच्छा तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड हो गया वो, ठीक है। अब दोस्तों यदि अगले प्रिंसिपल की बात की जाए तो अगला प्रिंसिपल था दोस्तों सेंट्रलाइजेशन। मतलब अधिकारों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों सेंट्रलाइजेशन जो होता था तो उसका इम्पैक्ट क्या था कि भैया बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर डिसीजन होगा और वो डिसीजन सभी को मानना होगा। जबकि दोस्तों इसका मॉडर्न जो इम्पैक्ट है ना, मॉडर्न ये है भैया काम के अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हो, काम के अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हो। यानी दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन को अब ज़्यादा बढ़ावा है, डिसेंट्रलाइजेशन को अब ज़्यादा बढ़ावा है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि पहले सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता था, आजकल जो है डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है।
इसके बाद दोस्तों हमारा प्रिंसिपल था स्केलर चेन, यानी सोपान श्रृंखला। एक चेन होनी चाहिए और उसी चेन के द्वारा दोस्तों आपस में लोग बात करनी चाहिए, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हर लेवल पर होते हुए जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज जो है ना, आज क्या है, शॉर्टकट का ज़माना है, देखो सिंपल सी बात है। तो आज दोस्तों इसका मॉडर्न इम्पैक्ट यही है दोस्तों, फ्लैट कम्युनिकेशन होता है, जिससे जिसको काम है वो उसी से बात करेगा, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं पहले बॉस से, पहले ऊपर के लेवल से, फिर उससे ऊपर के लेवल से, फिर मैं मेरे बॉस से बात कर जाऊँगा। आज दोस्तों डायरेक्ट बातचीत होती है, सिंपल सी बात ये है। तो शॉर्टकट कम्युनिकेशन, ये इसका मॉडर्न इम्पैक्ट है। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि भैया ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या था भैया, माल और मटेरियल जो है ना, और आदमी लोग जो है उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि ये चीज़ यहीं मिले और इस आदमी का यही केबिन हो, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ये था दोस्तों ट्रेडिशनल इम्पैक्ट कि भैया इनका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, ताकि दोस्तों हमारे रिसोर्सेज के वेस्टेज ना हो, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो कंट्रोल में रहे सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये था, कंट्रोल के लिए किया जाता था। लेकिन दोस्तों आज जो ये है, आज किसके लिए किया जाता है कि भैया कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, कि सभी चीज़ें एक स्थान पर रहे, सभी चीज़ें, सभी लोग अपने स्थान पर रहे, तो इससे क्या है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका मॉडर्न इम्पैक्ट है कोऑर्डिनेशन, जबकि इसका ट्रेडिशनल इम्पैक्ट क्या था कि अच्छा कंट्रोल में रहे, वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, ठीक है। अब यदि दोस्तों बात की जाए अगले प्रिंसिपल की, तो दोस्तों अगला प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इक्विटी, मतलब भैया इसका ट्रेडिशनल इम्पैक्ट हमने पढ़ा कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, ताकि दोस्तों वो कंपनी के लिए पूरे के साथ काम करे। तो ये था कि हाँ भाई समान व्यवहार के द्वारा ये किया जाए। अब दोस्तों आज क्या है इसका मतलब, आज इसका मतलब ये है कि उसमें स्वामित्व की भावना डाली जाए, जो एम्प्लॉय है उसमें स्वामित्व की भावना डाली जाए और फिर वो कमिटमेंट के साथ काम करे कंपनी के लिए। इसके बाद दोस्तों हमने अगला प्रिंसिपल पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि भैया जो कार्यकाल है ना उसका स्थायित्व हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी आदमी है उसको आप टाइम दो ताकि वो जॉब सेटल हो जाए, उसको जॉब सिक्योरिटी दो। लेकिन दोस्तों आज ये बोला जाता है जो आपके बेस्ट लोग हैं ना उन पर आप थोड़ा टाइम लगाओ, उनको दोस्तों आप टाइम दे सकते हो जो आपके बेस्ट लोग हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रिंसिपल जो था उसका नाम था इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी पहल क्षमता का सिद्धांत। तो उसमें क्या है दोस्तों, जो इसका ट्रेडिशनल इम्पैक्ट था उसमें जो मैनेजर आते हैं ना, तो मैनेजर को एनकरेज किया जाता था नए नए आइडिया के लिए, नए नए आइडिया के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। आज की जो इम्पैक्ट है इसका, आज का इम्पैक्ट ये है भैया, जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर वो कोई प्लान दे, कोई न्यू आइडिया दे, तो उसको एनकरेज किया जाता है आज। इसके बाद दोस्तों अगला जो लास्ट प्रिंसिपल था वो हमारा था एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि भैया सब लोग एक टीम भावना में काम करें, जिससे दोस्तों उस टीम के मैनेजर का जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है वो ऊंचा रहे। तो मतलब मैनेजर का कॉन्फिडेंस ऊंचा रहना चाहिए, ये था दोस्तों ट्रेडिशनल इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज जो मॉडर्न इम्पैक्ट इसका देखा जाए, तो एम्प्लॉयज़ का जो विश्वास है ना, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस है ना, वो हाई रहना चाहिए, वो हाई रखना ही दोस्तों आज का इम्पैक्ट है। तो दोस्तों इस तरह जो कंपैरिजन था वो पूरा हुआ, आज का और ट्रेडिशनल का, ठीक है। और हेनरी फ्यूल के सिद्धांत भी हमारे पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हेनरी फ्यूल के सिद्धांत भी समझ में आए होंगे और दोस्तों ये कंपैरिजन भी समझ में आया होगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न का। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं FW टेलर के बारे में। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।